कानपुर के बिधनु थाना क्षेत्र अंतर्गत सेन चौकी में लॉकडाउन के चलते गरीबों के राहत के लिए लगातार 9वें दिन भोजन वितरण किया गया। रामखेड़ा गांव के प्रधान नरेंद्र यादव सहित कई समाज सेवी राहत कैंपेन में शामिल हुए। चौकी प्रभारी सुभाष यादव ने बताया कि चौकी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, सभी जरूरतमंद को घरों में भी भोजन पहुँचाया जा रहा है। दरअसल में इस समय देश बड़ी महामारी से जूझ रहा है और लोग लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं। अब खाने पीने तक के लिए लोग मोहताज हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो क्षेत्र सड़क पे निकल के जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास खाना पीना नहीं, उनके लिए व्यवस्था कराई। भोजन के साथ और क्या जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? भोजन के साथ जनता से ये अपील है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, उन निर्देशों का पालन करते हुए दूरी का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और घर पे रहें, घरों में रहें, ज़्यादा इधर उधर निकलें नहीं घरों से। आज रमईपुर और गल्ला मंडी क्षेत्र में लगभग कितने दिनों से वितरित किया जा रहा है आपके? 3-4 दिन। हमारे 3-4 दिन से वितरित किया जा रहा है। ये क्या अपील करना चाहते हैं जनता के लिए? बस एक ही अपील है जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, केवल दूरी बना के रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं, बहुत ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलें। बाकी कुछ दिनों की ये संकट है, ये कट जाएगा। जनता को क्या घरों में भोजन पहुंचाया जा रहा है? हम करीब 9वां दिन है आज, लगातार जैसे प्रधान जी जैसे अन्य लोगों के सहयोग से घर घर भोजन बंटवाते हैं, यहाँ चौकी पर भी बंटवाते हैं। कल कच्चा अनाज करीब 3 क्विंटल बंटवाया था, आज भी बंटवाएंगे और भूखा नहीं कोई रहेगा हमारी चौकी। कानपुर से प्रद्युमन शर्मा, नवप्रभा टाइम्स.com।